वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आज से 2 महीने पहले एक खबर आई, खबर लव जिहाद से जुड़ी थी, जहां एक हिंदू युवती कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार बनी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। खबर भी मोहब्बत की नगरी माने जाने वाली आगरा से थी। लड़की का नाम था वर्षा रघुवंशी। संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में अब चौंकाने वाले कुछ फैक्ट सामने आए हैं, बताते हैं क्या है वो। उससे पहले बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से रिहा होने के लिए छटपटा रहे फहीम उर्फ अरमान कुरैशी के घर वालों ने कोर्ट में बेल याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने वर्षा के भाई की शिकायत का हवाला देते हुए इस बेल याचिका को खारिज कर दिया है। अब कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का कुछ हिस्सा स्वराज्य पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें साफ लिखा है कि वर्षा के भाई ने शिकायत दी थी कि उसकी बहन वर्षा को फहीम कुरैशी उर्फ अरमान 1.5 साल पहले बहला फुसला कर ले गया था और उससे शादी कर ली थी। इसके बाद फहीम के घर वालों ने वर्षा को तंग करना शुरू कर दिया, उसके हिंदू होने के कारण उससे मारपीट होने लगी। शिकायत में बताया गया है कि फहीम और उसके परिजन वर्षा से मांस कटवा कर उससे बनवाते और उसे जबरन खाने को मजबूर करते थे। उससे कार और 5 लाख रुपए मांगे जाते थे। वर्षा को ससुराल में काफिर की औलाद जैसे शब्द सुनने को मिलते थे और हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर उसे अपमानित किया जाता था। शिकायत में वर्षा के भाई ने बताया कि उसे 12 नवंबर 2021 को सूचना दी गई थी कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो वर्षा का शव फर्श पर पड़ा था। इस मामले की तरफ गौर करें तो घटना पिछले साल नवंबर की है, जब वर्षा रघुवंशी की हत्या का मामला पहली बार सामने आया था। उस समय फहीम अपने घर से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके परिजनों को पकड़कर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। वहीं लड़की के परिजनों में और अन्य स्थानीय हिंदुओं में इतना रोष था कि सबने मिलकर काफी हंगामा भी किया था। मृतका के भाई के पास शाम 6 बजे फोन करके बताया गया था कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है, मगर मौके पर पहुंचने के बाद और पहले की घटनाओं को देखते हुए उन्हें शक हुआ कि वर्षा को पहले मारा गया, फिर उसके शव को फंदे पर लटका दिया गया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले पर अपनी तहरीर दी थी और आगे की कार्रवाई फहीम के रिश्तेदारों को पकड़कर शुरू की गई और अब आरोपी के घर वालों ने बेल के लिए याचिका डाली है, जिसे खारिज कर दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।